क्वेश्चन नंबर 8 से आज स्टार्ट करेंगे अपन, तो एक बार देखो इस क्वेश्चन को। ये आपको यूँ कह रहा है, ये भी प्रूव कराना है, कॉस 6 की लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड की वैल्यू ये है। तो अपन LHS उठाते हैं सबसे पहले। LHS अपना कॉस 60, कॉस 60 का मतलब साइन 30, तो कॉस 60 जो अपने LHS है यानी कि 1/2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 होती है। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब RHS लेते हैं अपन, ठीक है बच्चे। RHS ये रहा 1 - tan²30 अपॉन 1 + tan²30। तो देखो बच्चे, 1 - tan₃० होता है बच्चे 1/√3, और ऊपर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, अपॉन 1 + tan₃० वापस tan₃० है ना देखो, तो 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब देखो 1 का 1 - इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर ओनली 3, अपॉन कौन सा अपॉन ये वाला, फिर 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर ओनली 3। अब दोनों का ले लेंगे अपन एलसीएम, ठीक है बच्चे। तो इसके नीचे 1 रखो, इसके नीचे भी 1 रखो, ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम, नीचे वाले का नीचे एलसीएम। तो देखो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 3, इसका इसमें डिवाइड, देखो इसको मत देखना, सिर्फ ऊपर वाला देखना, 1 का 3 में डिवाइड 3, 3 को 1 से 3, -3 का 3 में 1, 1 को 1 से 1। कुछ नहीं, एलसीएम सोल्व किया आप भी कर सकते हो। नीचे वाले का एलसीएम 3 आया, इसका इसमें 3 प्लस 3 का 3 में 1, 1 को 1 से किया तो 1, बच्चा 3 में से 1 किया तो बच्चा 2/3, फिर ये वाला अपॉन कौन सा, ये 3 और 1 4/3। इसके बाद देखो अब करा देंगे अपन रेसिप्रोकल, ये 2/3, और जब ये अपॉन रेसिप्रोकल में जाएगा तो 3 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 3 ऊपर 4 नीचे, 3 से 3 कट गया, 2 1 2 2 4, यानी कि क्या आ गया 1/2। तो ये अपनी आ गई RHS 1/2, लेफ्ट हैंड साइड भी 1/2, हो गया प्रूफ LHS बराबर RHS। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यूँ कह रहा है, साइन 45 प्लस कोस 45 का होल ट्वाइज स्क्वायर है बराबर 2। वही वैल्यू पर प्रूव कराने वाले हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके ये 7 से हैं आई थिंक, वहाँ से लेके अभी 3 को प्रूव प्रूव कराना है अपन को, प्रूव कराना सिद्ध करवाना है। ये अपना LHS है, साइन 45 बच्चे 1/√2 प्लस कोस 45 भी 1/√2, और ऊपर होल ट्वाइज है, ब्रैकेट है, स्क्वायर है। अब देखो अंदर ही अंदर इन दोनों का एलसीएम लो तो √2 आया, √2 का √2 में डिवाइड, डिवाइड 1, 1 को 1 से किया तो 1, √2 में 1, 1 टाइम, 1 को 1 से तो 1, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर, 1 और 1 2 अपॉन √2 होल ब्रैकेट स्क्वायर है। अब ये खुलेगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो बच्चे 4, और √2 का स्क्वायर ओनली 2, इससे ही कट गया तो क्या आ गया 2 बार आ गई RHS। यही तो लाना था, यानी कि LHS बराबर RHS, हो गया प्रूफ। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर आपका 10वां इस तरीके से है, 4 tan₃० × sin₄५ × sin₆० × sin₹90। ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब जो बायां पक्ष है ये पूरा मल्टीप्लाई में है, और राइट हैंड साइड हमें चाहिए √2, ठीक है बच्चे। तो देखो अपने LHS उठाते हैं, 4 का 4 × tan₃० का मतलब 1/√3 × sin₄₹ × sin₆० × sin₆० होता है √3/2, ओके बच्चे, और साइन 90 होता है 1, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी अपनी, सब कुछ मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में, इसलिए √3 से √3 कट गया, 2 1 2 2 2 4, 2 2 4 हो गया, ये इससे कट गया, ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लो, इसके नीचे भी 1 रख लो, ऊपर देखो 2 × 1 1 1, तो यानी कि 2 ही हुआ ऊपर, तो नीचे 1 1 √2, और मतलब √2, ठीक है बच्चे। अब देखो मैंने कहा था ये जो 2 है ये बना है 2 बार √2 × √2 से, जब √2 √2 से मल्टीप्लाई होता है तब 2 आता है, इसका मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपन को नीचे भी √2 है, इसे इसको काटना है तो बराबर क्या आया √2, हमें यही चाहिए था बिकॉज ही हमारा RHS है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ओके प्रूफ। हाँ बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका यूँ कह रहा है, sin²₁₀ × cot²₹₁₀ की वैल्यू क्या होगी, या मान ज्ञात करो या फिर वैल्यू इवेल्यूएट करो। तो देखो बच्चे ये हमारी इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड कुछ है नहीं, डायरेक्टली वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करो।
साइन 60 होता है बच्चे रूट थ्री अपॉन टू, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है, ओके मल्टीप्लाई लगा दो, और कोट 60 होता है टेन 30 यानी कि वन अपॉन रूट थ्री, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। देखो बच्चे रूट थ्री का स्क्वायर यानी कि जो ये जो स्क्वायर इसके ऊपर भी है तो इसके ऊपर भी खुलेगा, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री ओनली थ्री, टू टू जा फोर, खुल गया इसका स्क्वायर, इधर आओ वन का स्क्वायर वन, रूट थ्री का स्क्वायर ओनली थ्री, इससे ही कट गया तो पीछे क्या आया वन अपॉन फोर। तो इस क्वेश्चन की जो ये वैल्यू दे रही थी इसकी वैल्यू क्या आ गई वन अपॉन फोर। हाँ बच्चे तो आपका 12वां क्वेश्चन है, 12th जो क्वेश्चन नंबर है वो इस तरीके से है, इसमें भी वैल्यू फाइंड करनी है, कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है, फोर कोस क्यूब 30 माइनस थ्री कोस 30, ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कराओ, फोर कोस 30 होता है बच्चे साइन 60 यानी कि रूट 3.2, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कोस 30 की वैल्यू होती है, ऊपर क्यूब है तो ठीक है क्यूब लगा दो, माइनस 3 और कोस 30 वही रूट 3.2, ठीक है बच्चे। अब देखो 4 का तो 4 इंटू रूट 3 का क्यूब यानी कि रूट 3 तीन बार है, हालांकि मैं बहुत दो तीन बार बता चुका आपको ये क्वेश्चन, मतलब ये वैल्यू निकालना, लेकिन फिर भी देख लो रूट 3 इंटू रूट 3 ओनली 3, और जब ये 3 इसके पास जाएगा मल्टीप्लाई में तो 3√3, इसका सोल्यूशन मल्टीप्लाई क्या आ गया 3√3, यानी कि इसका क्यूब क्योंकि ये इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो रूट 3 का क्यूब हो गया 3√3 अपॉन 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस ये वही है 3, जब रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3√3 और नीचे 2 का 2। अब देखो बच्चे ये मल्टीप्लाई में तो 4 से 8 कट जाएगा दो बार, पीछे क्या बचा 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3 अपॉन 2, ये दोनों प्लस माइनस में तो कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 0, ओके आ गया आपका आंसर। हाँ बच्चे तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका यूँ कह रहा है कि इफ कोट थीटा बराबर 1/√3 यानी कि यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 है देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो कि 1 cos² थीटा अपॉन 2 sin² थीटा बराबर 3/5 यानी कि ये हमारा एल एच एस है और ये बच्चे अपना आर एच एस, ये अपना ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड अपन ने उठाई वो है 1 cos² थीटा अपॉन 2 sin² थीटा। बात ये है कि गिवन जो चीज़ है अपन को जो दी हुई है उस पर गौर करो एक बार, वो है कोट थीटा बराबर 1/√3। बच्चे कोट थीटा बराबर अपने पास तो कोट थीटा है ही नहीं और ना ही कोई गुंजाइश है कि कोट में कन्वर्ट करूँ, ज़्यादा थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, तो बेटर होगा आप एक काम करो इससे थीटा फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करेंगे कि बच्चे देखो ये कोट थीटा है ये 1/√3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 60 बिकॉज कोट से कोट मुझे बैलेंस करना है कंपेयर करवाना है, पीछे थीटा बचेगा और मुझे डिग्री मिल जाएगी, उस थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करा दूंगा और फिर वैल्यू रख दूंगा, तो मतलब मेरा जो टारगेट है वो अपना जो फोकस पे क्या होना चाहिए अपन को कोट से कोट को बैलेंस करवाना है मतलब काटना है। तो वो कैसे सिंपल होगा सॉल्व होगा कि जब इधर कोट है तो इधर ये 1/√3 भी कोट की वैल्यू रखें जो कि कोट 60 होती है, अब कोट से कोट हो गया कंपेयर तो थीटा कितना निकल गया क्या बच्चे 60 डिग्री, तो ये चीज़ जो अपने पास निकल के आई थीटा 60 डिग्री उसको अपन इसके अंदर पुट करा देंगे। तो देखो कैसे कि 1 cos² और थीटा की जगह 60 ओके अपॉन 2 sin² और थीटा की जगह 60, अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे अपन, 1 cos 60 होता है sin 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस साइन 60 होता है बच्चे 3√3/2 का ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, वैल्यू रखी ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद देखो बच्चे 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 का 2 माइनस √3 का स्क्वायर ओनली 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम नीचे वाले का नीचे एलसीएम, तो ऊपर इसके नीचे 1 रख लो ताकि एलसीएम इजी पड़े 4, तो इसका इसमें 4 माइनस 1 अपॉन कौन सा ये वाला यहाँ पर 3 बेटे, इसका एलसीएम ले लो 4 आएगा, इसके नीचे भी 1 रख लो तो 4 4 2 8 माइनस 4 4 और 1 से 3 से करोगे तो यहाँ पर 3 है बच्चे 3। तो देखो 4 में से 1 गया
तो थ्री बचा नीचे फोर अपॉन, एट में से थ्री गया तो फाइव बचा नीचे फोर। अब आप रेसिप्रोकल करवा दो तो थ्री अपॉन फोर रेसिप्रोकल होगा तो फोर ऊपर फाइव नीचे, इससे ये कट गया तो वैल्यू क्या निकल गया बच्चे, थ्री अपॉन फाइव। तो यही तो हमें चाहिए था राइट हैंड साइड, क्या है थ्री पॉइंट फाइव। इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका यूँ कह रहा है कि प्रूव कराना है आपको थ्री टेन स्क्वायर थर्टी प्लस कॉट स्क्वायर थर्टी, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है थ्री में, माइनस एट मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थर्टी से, ठीक है। तो बच्चे अपन सोल्यूशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरी एल एच एस है, अपन को राइट साइड जीरो लाना है, ठीक है। तो एल एच एस देखो, थ्री का थ्री टेन थर्टी, टेन थर्टी होता है बच्चे वन अपॉन रूट थ्री, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, एक काम करो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं अपन, ठीक है। प्लस कोड थर्टी, कोड थर्टी होता है बेटा टेन सिक्सटी, यानी कि रूट थ्री, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो ब्रैकेट बाय, माइनस एट साइन फोर्टी फाइव होता है वन अपॉन रूट टू, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। फिर कोस थर्टी, कोस थर्टी होता है साइन थर्टी साइन सिक्सटी, यानी कि रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वायर। आपको भी धीरे धीरे वैल्यू लर्न हो जाएगी, बार बार टेबल मत देखो, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सारी वैल्यू लर्न हो जाएगी, ताकि एग्जाम में क्या है कि टेबल बनाओगे टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक्से लर्न हो जाएगी आपको। थ्री का थ्री, वन का स्क्वायर वन होता है, रूट थ्री का स्क्वायर ओनली थ्री, खुल गया स्क्वायर इसका, तो प्लस रूट थ्री का स्क्वायर ओनली थ्री, ब्रैकेट बंद। आठ और वन का स्क्वायर होता है वन, और टू रूट टू का स्क्वायर ओनली टू, प्लस रूट थ्री का स्क्वायर ओनली थ्री, और टू का स्क्वायर फोर। अब देखो बच्चे, थ्री का थ्री, इसका नीचे वन रख लो, एलसीएम ले लेंगे अपन इसका, थ्री आया तो वन प्लस थ्री, थ्री इज नाइन, एलसीएम सॉल्व किया और कुछ नहीं, इसका एलसीएम आया फोर, टू का फोर में टू, टू को वन से तो टू, फोर का फोर में वन, वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो थ्री। अब देखो बच्चे, ये दोनों मल्टीप्लाई में पूरा, तो थ्री से थ्री कट जाएगा, ठीक है, और इधर भी ये भी मल्टीप्लाई में है तो फोर से एट कट जाएगा दो बार, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, वन और नाइन सीधे ऐड हो जाएंगे दस, या माइनस का माइनस, और ये है बच्चे फाइव, फाइव है और बार है टू, उससे वो मल्टीप्लाई होगा, तो देखो दस माइनस ये भी दस, तो दस में से दस कट गए, क्या आया जीरो आर एच एस, तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, प्रूफ जीरो लेंथ। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका यू है, फोर ब्रैकेट में साइन फोर थर्टी प्लस कोस सिक्सटी माइनस थ्री कोस स्क्वायर फोर्टी फाइव माइनस साइन स्क्वायर नाइन्टी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और जो अपन को आंसर लाना है वो लाना है पंद्रह बटे चार, फिफ्टीन अपॉन फोर। ये ठीक है थोड़ा क्वेश्चन, अच्छे समझना बच्चे, फोर का फोर ब्रैकेट साइन थर्टी होता है बच्चे वन अपॉन टू, ऊपर फोर है तो फोर लगा दो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा, प्लस कोस सिक्सटी, कोस सिक्सटी भी वन अपॉन टू होता है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं, माइनस थ्री बड़ा ब्रैकेट कोस फोर्टी फाइव होता है वन अपॉन रूट टू, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस साइन नाइन्टी होता है बच्चे वन का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब देखो फोर का फोर बड़ा ब्रैकेट, अब ये वन फोर दोनों के ऊपर लगेगा तो फोर वन के ऊपर, तो वन का पावर फोर तो वन ही होएगा, बट टू की पावर फोर यानी कि टू चार बार, फोर का मतलब चार बार, तो चार आठ और सोलह सिक्सटीन हो गए, तो वन अपॉन सिक्सटीन हो गया, और इधर देखो प्लस वन अपॉन टू का वन अपॉन टू ब्रैकेट वन माइनस थ्री, अब यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलोगे तो वन का स्क्वायर वन और रूट टू का स्क्वायर ओनली टू, माइनस वन का स्क्वायर वन, देखो ये फोर का फोर अंदर ही अंदर इन दोनों का एलसीएम लो तो सिक्सटीन आएगा, सिक्सटीन का सिक्सटीन में वन टाइम, वन को वन से मल्टीप्लाई वन, टू का सिक्सटीन में एट टाइम, एट को वन से किया तो एट, माइनस थ्री इसका भी एलसीएम ले लो बच्चे, तो इसका एलसीएम आएगा दो, दो का दो में एक बार, एक को एक से किया तो एक, माइनस दो का दो में तो दो, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में तो फोर के टेबल से कट जाएगा, फोर फोर जाए सिक्सटीन, वन और एट नाइन ऑन फोर माइनस थ्री, अब ये वन में से माइनस टू यानी कि माइनस का वन बच्चा बेटे, एक बार के लिए ऐसा समझो आप, ठीक है, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा क्योंकि यहाँ गड़बड़ होने के चांस है, गलती कर दोगे आप, तो नाइन अपॉन फोर
और जब माइनस थ्री माइनस के वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस होता है बच्चे प्लस। अब थ्री इंटू वन यानी कि थ्री और नीचे है दो। इसके बाद देखो दोनों का ले लो एलसीएम, दोनों का एलसीएम आएगा बच्चे चार। चार का चार में डिवाइड किया वन टाइम, वन को नाइन से मल्टीप्लाई तो नाइन प्लस टू का फोर में टू टाइम, टू को थ्री से किया तो सिक्स। नाइन और सिक्स फिफ्टीन अपॉन फोर यानी कि 15/4। यही तो अपन को चाहिए था। आर एच एस यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैंड्स फ्रू राइट हैंड साइड, इजी है। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका यूँ कह रहा है कोस 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30, और राइट हैंड साइड अपन को जो लाना है वो रूट 3.2 लाना है। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे। तो देखो कोस 30 की वैल्यू होती है साइन 60 यानी कि रूट 3/2, प्लस साइन 60 भी रूट 3/2 अपॉन 1 प्लस कोस 60 यानी कि साइन 30, ये होता है बच्चे 1/2 प्लस साइन 30 खुद 1/2। ओके अब देखो ऊपर वाले का ऊपर एलसीएम, नीचे वाले का नीचे एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम आएगा दो, दो से दो यानी कि वन, और रूट थ्री का रूट थ्री उसमें भी रूट थ्री। एलसीएम सॉल्व तो कर ही सकते हो आप, ये अपॉन है ये लगा दो अपॉन, ठीक है। इसके नीचे वन रखो, इसका क्या एलसीएम है, एलसीएम है इसका इसमें टू, टू को वन से टू प्लस वन वन। इसके बाद देखो ये इतना सोल्यूशन करना है अपन को, वन रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री यानी कि एक रूट तीन प्लस एक रूट तीन दो रूट तीन यानी कि दो रूट तीन हुआ। ऐसे जोड़ना आना चाहिए, मतलब रीड अच्छा करोगे तो अपने आप लाना हो जाएगा। वन रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री टू रूट थ्री, और अपॉन में कौन है टू, अपॉन टू प्लस वन प्लस वन फोर अपॉन टू। अब देखो बच्चे अब ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, चाहो तो यहाँ से इस टू को भी टू से काट सकते, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा वन यानी कि रूट थ्री अपॉन वन तो वहाँ बचा। अब ये जब रेसिप्रोकल होगा तो दो जाएगा ऊपर फोर रहेगा नीचे, इससे ये फिर सिंपलेस्ट हो जाएगा दो बार। ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, रूट थ्री को वन से किया तो रूट थ्री, और वन को टू से किया तो टू। मैं चाहता था इसको यहाँ भी काट सकता था, एक ही बात है, रूट थ्री अपॉन टू ये अपना राइट हैंड साइड, यही तो अपन को चाहिए था। तो एल एच एस बराबर साइंस प्रूफ। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस मिसलानियस का विविध का लास्ट है वो इस तरीके से है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और आप लोगों को राइट हैंड साइड में 6 लाना है। टू कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 माइनस सिक्स ब्रैकेट साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 ब्रैकेट बंद। तो एल एच एस उठाते हैं अपन बच्चे, टू का टू ब्रैकेट कोस 45 होता है 1/√2, पर स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, अगर ये अंदर स्मॉल ब्रैकेट है तो बाहर बड़ा ब्रैकेट लगता है, प्लस टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी होता है रूट थ्री स्क्वायर का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ओके माइनस सिक्स साइन 45 होता है बच्चे 1/√2 स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस टेन 30 होता है 1/√3 स्क्वायर का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। समझ आ रहा है, आगे देखो दो का दो, वन का स्क्वायर वन, और रूट टू का स्क्वायर ओनली टू, प्लस रूट थ्री का स्क्वायर ओनली थ्री, माइनस सिक्स वन का स्क्वायर वन और रूट टू का स्क्वायर ओनली टू, माइनस वन का स्क्वायर बचे वन और रूट थ्री का स्क्वायर ओनली थ्री ब्रैकेट बंद। दो का दो, अब इसका एलसीएम ले लो बच्चे, इसका एलसीएम आएगा दो ब्रैकेट अंदर भी लगा रहने दो, दो का दो में एक बार, एक को एक से किया तो एक, प्लस एक का दो दो छः, माइनस छः, और इसका एलसीएम आई क्या आएगा बच्चे सिक्स, यानी कि इसका एलसीएम सिक्स आया, दो का छः में तीन बार, तीन को एक से किया तो तीन, माइनस तीन का छः में दो बार, दो को एक से किया दो। अब देखो ये मल्टीप्लाई में दो से दो कट जाएगा, छः से छः कट जाएगा, वन प्लस सेवन सिक्स, और माइनस का माइनस थ्री माइनस टू वन, बच्चे क्या बचा सात में जब एक गया तो छः बचा, यही तो हमारा राइट हैंड साइड। इट मीन्स एल एच एस बराबर आर एच एस हैंड्स प्रूफ। तो इस तरीके से आपका ये सिक्स चैप्टर फिनिश, इसकी मिसनल यानी कि विविध एक्सरसाइज फिनिश। अब अपन करने जाएंगे एग्जाम्पल जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही।